नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देश में किसान बिल को लेकर चर्चा और आंदोलन चल रहा है। 8 दिसंबर को किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुंबई के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चेंबूर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे ने मुंबई कांग्रेस सचिव व मुंबई उद्योग विभाग अध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी की अगुवाई में किसानों के समर्थन में व बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन चेंबूर की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शालिनी शर्मा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसमें किसान विरोधी बिल को रद्द करने की मांग की गई। इस अवसर पर कांग्रेस की काफी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित। नहीं देखिए, जो भारत सरकार ने कानून बनाया है वो सरासर गलत कानून है। किसानों के हित के खिलाफ है, कामगारों के हित के खिलाफ में है। आप देखेंगे कि ये हमारा अन्नदाता है, किसान भाई हमारे, उनके वजह से हमको अनाज मिलता है, पूरे देश भर को अनाज मिलता है। एक परिस्थिति ऐसी थी कि देश को अनाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देश से आयात करके वो अनाज मिलता था। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि अपना देश निर्भर अनाज में बनने के बावजूद हम लोग दूसरे देश को भी अनाज सप्लाई करते हैं। तो किसान भाइयों की अनेक समस्या है, उस समस्या का हल निकलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। किसान भाइयों की जो अनाज, किसान भाइयों के जो अनाज उगाते हैं, तो वो आज के दिन में सब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छी है, सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कानून बोलता है कि ये खुला करेंगे, व्यापार खुला करेंगे और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक जाएगा। अब मेरे को बताइए कि महाराष्ट्र में जैसा APMC है, वहाँ किसान भाइयों का सब अनाज आता है। अभी वो बंद करके आप अदानी अंबानी जैसे बड़े लोगों को आप देंगे तो वो उनके गोडाउन में माल जमा करेगा और जब भी उनको गरज है तभी बाहर निकालेगा। जब 20 रुपया किलो से चावल है, गेहूँ है, तो जब ये बड़े लोगों के हाथ में अगर ये कारोबार जाएगा तो 20 रुपये का 40 रुपये भी हो सकता है। गांव के साथ साथ शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। महंगा अनाज कौन खरीदेगा? तो ये सरासर गलत है और कांग्रेस पार्टी ने इसके वजह से ये इस कानून को विरोध किया है। कामगारों के हित में, किसान भाई के हित में ये कानून नहीं है। इसके लिए देश भर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हम लोग समर्थन दे रहे हैं और हम लोकल लेवल के जो पुलिस स्टेशन है उनके माध्यम से सरकार को ये हम लोग निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में हमारे लक्ष्मण कोठारी जी है, एडवोकेट दीपक सिसोदी जी है, संभाजी लोखंडे है, कैलाश आरवड़े है, हमारे इनके जी है, सावंत भाई है, माने भाई है, हमारे सारे जो लीडर्स है चेंबूर में सब पुलिस स्टेशन के ऊपर मोर्चा निकाला था, उनको निवेदन दिए गए। तिलक नगर पुलिस स्टेशन में संगीता हंडोरे नगर सेविका, उनके नेतृत्व में बड़ा जुलूस हुआ। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते विनती अनुरोध गुजारिश, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या आपकी कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।